हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू लहसुन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऑयल में डाला है लहसुन। ये मैंने लहसुन हल्का सा पेस्ट हुआ तो मैंने इसमें डाले हैं टमाटर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, मिर्ची और हल्दी। ये मैंने डाल दिए हैं। अब हम अपना मसाला अच्छे से भूनेंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। तो आलू मैंने पहले से बॉईल करके, ये देखें मैं इनको काट रही हूँ। तो आलू मैंने पहले से बॉईल किए हुए हैं। तो मैंने अब इसमें आलू डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि मसाला आलूओं के अंदर मिक्स हो जाए। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है एक हाथ से बनाते हुए, और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है क्योंकि रहन हो गई है एडमिशन, तो इसलिए अकेले बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी थोड़ा सा, मतलब जितनी आपने ग्रेवी बनानी है इसकी तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें हमारा सालन हो चुका है रेडी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं अभी इसको प्लेट में निकालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें मैंने सालन अपना प्लेट में निकाला है, तो कितना अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी शक्ल से भी अच्छा लग रहा है, और वैसे भी इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती फ़ोन में। तो बहुत मज़े का बना है सालन मेरा। तो ये मैंने सिर्फ लहसुन और टमाटर में बनाया है। तो इसमें मेरा सालन हो चुका रेडी, तो मैंने इसमें डाला है लहसुन, गर्म मसाला और सूखा धनिया। इसको पीस के वो ऊपर से मैंने हल्का सा डाला, और हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने डाली है। तो ये टमाटर में और लहसुन में बनाया मैंने सालन, और बहुत मज़े का बना है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद है कि आज क्या मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।